सो हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है मंडे यानी कि ईद का दूसरा दिन। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि कज़न्स का है प्लान है मूवी का और उसके बाद लंच डिनर जो भी हुआ, तो अभी मैं रेडी हो गई हुई हूँ। वो नीचे आ गई हुई हैं, पहले मामा के घर जाना है, उधार से को ड्रॉप करना है, उसके बाद हमने जाना है उधर पैकेजेस फॉर अ मूवी। आई थिंक लंडन नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, वो देखनी है। तो चले मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। देखो मेरे बाल में आज ही वॉश किया जाएगा। सो अभी मैंने दासी को छोड़ दिया अब्दुल्ला के पास और अभी हम जा रहे हैं पैकेजेस कार ड्रॉप करने जा रहे हैं। पैकेजेस मॉल, तो अभी जाके देखते हैं हमें टिकट्स मिलती हैं कि नहीं। होपफुली मिल जाएंगे, भी रश नहीं है ना। और आर्केडियन पे भी हम करवा लेते हैं अपनी बुकिंग, वरना आर्केडियन अब रात को ही खुलेगा फिर। सीन कुछ नहीं है कि लंदन नहीं जाऊंगा, हमें टिकट नहीं मिली और हमने ले लिए कायदे और सब जिंदाबाद से हमने टिकट ले लिए। और फ्रंट रो हमें और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, हमें यही बस मिल रही थी। तो अभी हम जल्दी से फ्राइज ले रहे हैं क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा है, पॉपकॉर्न हम ले नहीं सकते, फ्राइज ले रहे हैं और बस हम निकलते हैं। टाइम हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए अभी, तो फ्राइज लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ना था। तो अभी हम जो है ना वो चेक कर रहे हैं कि सपा के आने तक हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम एंड तक पहुँच गए और फ्राइज हमें मिल गए तो बेस्ट है, वरना फिर हम ऐसे ही जाएंगे और इंटरवल में आके लेंगे। व्हाई आर यू शूटिंग मी? लाइन चेक करें ये वाली पे। और हमारी मूवी स्टार्ट हो गई आई थिंक, है ना, 5:15 हो चुके होंगे। तो फिर ये डिसाइड हुआ है कि हम बिच कराते हैं खाने को, हालांकि भूख बहुत लगी थी लेकिन आमना ने हमें जो कुछ नहीं लेने दिया। तो अब हम जा रहे हैं मूवी के लिए और इंटरवल में आगे कुछ लेंगे क्योंकि टाइम हो गया था मूवी का। सो लेट्स गो। बाबा आईडी निकाल निकाल जल्दी जा, गाड़ी जा रहा है। ओके ब्रो चल, मत कर। एक पॉपकॉर्न, सिंपल प्लेन। फ्राइज तो हमने क्या कर, फाइनली हमने ले ही लिया पॉपकॉर्न ड्रिंक और हमारे फ्राइज अभी बन रहे हैं। सपा लोग चले गए अंदर, दिमाग नहीं चलता। सर प्लीज सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैंने आप जैसे इंसान के साथ बदतमीजी की सर। सर मैं जो भी हूँ सर, जहाँ भी हूँ सर, वो तो आपकी वजह से ना सर। क्या लेने जाना है? उसे ही बता। तो पैकेजेस से मैं सीधा फिर घर आ गई थी मामा की तरफ क्योंकि मेरी कुछ कज़न्स मिलने आई हुई थी, तो बस उनसे अब मिल लिया। सब लोग चले गए हैं, लाइट यहाँ की ख़राब हुई हुई है,
पानी अलहमदिल्ला लेके आ गया। तो अब हम वापस जाने लगे हैं घर और मामा कह रही रुक जाओ, पर चले जाते हैं क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी है। मज़ा आया, अच्छा टाइम गुजरा। चले अब घर चलते हैं, फिर मैं आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। तो पैकेजेस चली गई थी, मैं मेरा प्लान था उधर का, पीछे से मेरी कज़न्स आ गई थी मिलने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि सब आ रही हैं, तो इस वजह से मैं उनके ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकी, जिसका मुझे बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतना मेरे लिए वेट किया। आई विश आई हैड मोर डेज टू स्पेंड विद देम। इलासी की हरकत है, आपको नींद नहीं आई? एक बज रहे तो अभी रास्ते में वापस जोहर टाउन जा रही हूं मैं, और फिर आप आपको जाके मिलते हैं। चाचा 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 और इधर से की एक्साइटमेंट चेक करें कि उड़ के चला गया मैं उसके पास। अभी हम इसको दिखाने के लिए गाड़ी वापस मोड़ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये बैठा हुआ, ये देखें मिकी माउस बैठा हुआ। हाय लार्सी, मिकी माउस इधर आ। चलो मनी दो उसको पीछे से शीशा ले। एंड आई जस्ट रियलाइज कि नेक्स्ट क्लिप्स जो है वो मुझे जल्दी से डिलीट हो गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप यू लाइक डिड, इफ इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत स्पेशल होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।